महानगर में पहली बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा थिएटर इन एजुकेशन अगरतला त्रिपुरा सेंटर के सहयोग से श्याम सुंदरी थिएटरिकल ग्रुप और आरपीएम एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आरपीएम एकेडमी ग्रीन सिटी गोरखपुर में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में शुक्रवार को श्याम सुंदरी थिएटरिकल ग्रुप गोरखपुर की अवैतनिक सचिव रीना सिंह ने शास्त्री चौक स्थित जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर विस्तृत रूप से कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्यशाला शिक्षक एवं बच्चों के बीच की अंतःक्रिया को प्रभावी बनाने तथा बच्चों द्वारा विषयों को रुचिपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी, साथ ही शिक्षक के व्यक्तित्व को और उत्कृष्ट बनाने में सहायक होगी। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए श्याम सुंदरी थिएटरिकल ग्रुप गोरखपुर की अवैतनिक सचिव रीना सिंह ने कहा, मैं रीना सिंह श्याम सुंदरी थिएटरिकल ग्रुप की सचिव हूँ और मैं बेसिक शिक्षा में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देखती हूँ, उसी में कार्यरत हूँ। ये शिक्षा के स्तर को देखते हुए बच्चे जैसे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, इसी को देखते हुए आज गोरखपुर में पहली बार यूएसए से आए मिस्टर डेनियल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें 25 शिक्षक कार्यशाला करेंगे। इसका है ये नई नाट्य रणनीति द्वारा हमारी नई शिक्षा नीति में भी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है जिसमें हम बच्चों को एक स्कूली विषय में जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को सब्जेक्ट के उसको हम नाट्य के थ्रू सिखाएंगे और इसके लिए हम एनएसडी त्रिपुरा जो भारत का पहला सेंटर है थिएटर एजुकेशन का जो एजुकेशन को थिएटर से जोड़ते हुए इसी पे कार्य कर रही है, भारत की पहली संस्था है जिसके थ्रू हम बात करके यहाँ गोरखपुर में श्याम सुंदरी थिएटरिकल ग्रुप और आरपीएम एकेडमी के सहयोग से काम कर रहे हैं। ये कार्यशाला 7 से 12 अक्टूबर तक चलेगी जिसमें मिस्टर यूएसए से आए हुए मिस्टर डेनियल देंगे और हमें ये है कि यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा जैसे इसमें बेसिक के भी टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे, माध्यमिक स्तर के सीबीएसई बोर्ड के आईसीएसई बोर्ड के सभी टीचर इसमें करीब 25 टीचर्स इसमें कार्यशाला में प्रतिभाग करेंगे। इसका उद्देश्य है जो हम शिक्षण कार्यों में जो बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं उनकी टेक्निक, ये एक टेक्निक है, सीखने सिखाने की प्रोसेस है। तो जैसे रूटीन से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं विषयों को पढ़ने में तो एक नई टेक्निक है शिक्षण से नाट्य के थ्रू शिक्षा देने, गणित में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए, कोई हिंदी में प्रॉब्लम हो किसी चीज़ को तो उसको रोचक करके रुचिपूर्ण शिक्षा के लिए है। और शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के तहत गतिविधि द्वारा शिक्षा भी अनिवार्य है और इसको सीबीएसई बोर्ड के सर्कुलर में भी ले लिया गया है तो इसी दृष्टि को देखते हुए इसको लागू किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को मैं चूँकि बेसिक शिक्षा से जुड़ते हुए मैं इसको इसी के ऊपर ध्यान दी कि इसको जरूरी है, गोरखपुर में बहुत ही जरूरी है, ये गोरखपुर में सफल रहा तो मैं पूरे उत्तर प्रदेश में इस शिक्षा को लागू करने की कोशिश करूँगी।